जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक शानदार और धमाकेदार स्टॉक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है सुराना सोलर लिमिटेड कंपनी। देखिए, ये कंपनी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती हुई आपको दिख जाएगी और शेयर प्राइस में भी ठीक ठाक लेवल पर। चार्ट पर इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि हमें कहाँ पे इसमें एंट्री करना है तो करना हो, किसी को बेच के निकलना है तो कहाँ पे वो निकलेंगे। देखिए, स्टॉक काफी बढ़िया है क्योंकि कंपनी का काम और फंडामेंटल थोड़ा सा वीक है, लेकिन आने वाले समय के साथ फंडामेंटल भी इसका इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाएगा, क्योंकि ये मजबूत होते हुए दिख रहा है। तो जिसका पहले से भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, वो भी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और कोई नया व्यक्ति इस तरह के स्टॉक्स में, चूंकि जिस सेक्टर में जो कंपनी काम करती है उस सेक्टर का डिमांड आगे होता है फ्यूचर में, तो उस तरह के कंपनी में पैसा लगाना बनता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विश्वास रखते हैं कि ये सेक्टर आगे ग्रो करेगा, इसमें काम करने वाली कंपनी आगे ग्रो करेगी, तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल है। सबसे पहले जैसे मैंने काम के बारे में बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है, आपको देखेंगे तो ये सोलर पैनल तो बनाती है, साथ में आपको विंड टरबाइन और जो विंड से बिजली पैदा की जाती है तो वो विंड टरबाइन भी बनाती है, और इसका जो बिजली बनाती है उसका ट्रेडिंग भी करती है, यानी कि बिजली बेचती भी है। तो ओवरऑल बात करें, कंपनी का काम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी मोटो है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा तेजी लाया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से ही ज्यादातर बिजली पैदा की जाए अपने देश में। तो इसलिए ये जो काम है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की। उसमें सबसे पहले देखेंगे मार्केट कैप तकरीबन 170 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, जो कि ठीक ठाक है, एक छोटा स्टॉक है। और स्टॉक का आप वैल्यूएशन पे मत जाइए, शेयर प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके साथ साथ वैल्यूएशन भी आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं शेयर प्राइस का बढ़ने से मार्केट कैप भी बढ़ता है। अब देखिए, स्टॉक का पीई यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो खैर हम तो चार्ट पर लेवल देख के डिसाइड करते हैं हमें कहाँ पे क्या करना है, तो पीई कुछ खास हमारे लिए मायने नहीं रखता। शेयर प्राइस देखेंगे 35 रुपये के आसपास चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया, और अभी रेंज बाउंड में हम लोग आगे चार्ट पर समझेंगे। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा, ये बढ़िया बात है, बुक वैल्यू से हमेशा जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए। हालांकि आरओई है जो ओ माइनस में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल धीरे धीरे आपको मजबूती के कगार पर दिख रहा है, फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा मजबूत अब होने लगा है। शेयर प्राइस बढ़ेगा तो हर चीज मजबूत होगा, हर चीज बढ़िया होगा, तो ये जो आरओई आपको निगेटिव में दिख रहा है ये अभी प्लस में हो जाएगा। और जब एक साल का चार्ट पर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस स्टॉक का प्राइस अभी 30 रुपये से लेकर 35 रुपये के बीच में आपको घूमते हुए नजर आएगा। घूमते हुए मतलब कंसोलिडेशन रेंज में, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन करना। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब भी ये चूंकि अभी कंसोलिडेशन रेंज में है, इसी रेंज में प्राइस काफी दिनों से फंसा हो, तो जब भी इससे बाहर निकलेगा ना तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ये आप आज लिख के रख लीजिए। मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस की बदौलत कह रहा हूँ, कोई हवा में ये बातें नहीं कह रहा हूँ। प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब कोई स्टॉक काफी दिनों से रेंज में होता है तो प्राइस ऊपर ही जाता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक इसके लिए रेंज था, अब इस रेंज से प्राइस बाहर निकला ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस रेंज से बाहर निकला प्राइस ऊपर गया, फिर अब यहाँ पे एक रेंज बनाया है, इस रेंज से जब प्राइस ऊपर निकलेगा बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। और यहाँ पर काइंड ऑफ डब्लू टाइप का भी आपको एक फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, तो जब भी चार्ट पर डब्लू बनता है तो प्राइस आपको ऊपर ही जाता है, और इजिली आप 45 से 50 रुपये तक शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिख सकता है। तो जो लोग अभी ऊपरी लेवल पर बाई करके अपने आप को फंसे हुए महसूस करें, उनके लिए चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप बेशक बने रहिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपये का रहेगा, 30 रुपये के नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन आप विश्वास के प्राइस जाएगा इसके ऊपर ही, इससे ऊपर ही निकलेगा। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कहीं पर भी बाई किए हो यहाँ पे 35-40 रुपए के आसपास, तो इसमें बने रहिए 50 रुपए तक। शॉर्ट टर्म में बात करूं, बाकी लंबी अवधि में तो आपको जो पता है कि ये जो कंपनी के काम है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य काफी उज्ज्वल है, तो इसके बेसिस पे भी आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। पीएस इंडेक्स वेबसाइट पर जो आप देखते हैं इस कंपनी को, तो पाएंगे कि इस स्टॉक में भी हाल ही के दिनों में अपर सर्किट भी आपको लगते हुए दिखा है। यहाँ पर देखेंगे 21 मार्च के डेट में इस स्टॉक में आपको अपर सर्किट, हालांकि अपर सर्किट पहले भी लगा है, इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते ही रहेगा। जहाँ तमाम जो पेने स्टॉक से नीचे की तरफ जा रही है, ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और इसमें सबसे कमाल की बात है कि स्टॉक में अपर सर्किट दिन प्रतिदिन लगते हुए नजर आ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि अपर सर्किट जब लगता है तो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में मूवमेंट आता है और प्राइस ऊपर जाता है। कॉर्पोरेट एक्शन देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक को लिस्ट होने के बाद से इसमें दो तीन कॉर्पोरेट एक्सेस में कंपनी डिविडेंड तो देती है, हालांकि अब नहीं दे रहे, पहले कंपनी डिविडेंड देती थी, अब कंपनी डिविडेंड देगी, अब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगा, कमाई होने लगी है। बैलेंस शीट जब आप देखते हैं इस स्टॉक का, बैलेंस शीट में आपको पता लगेगा कि कंपनी के पास कर्जा सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का कर्जा है 20 लाख के आसपास, जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा है, जो फ्री कैश फ्लो होता है, वो 31 करोड़ 61 लाख के आसपास, यानी कि जब कंपनी चाहे अपने डेब्ट को चुका सकती है, कंपनी एकदम डेब्ट फ्री है। और कंपनी के पास जो भी जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आते हैं, जिसमें कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट दिखते हैं, तो
अभी तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन अब अगले क्वार्टर से चूंकि अब कंपनी का डेप्ट लगभग जीरो हो गया तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी बन जाएगी, और जब कंपनी प्रॉफिटेबल एक बार बन गई उसके बाद तो शेयर प्राइस और भी ज़्यादा आपको और रॉकेट बनते हुए दिखेगा, और रॉकेट के साथ शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट है सुराना सोलर में नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि सुजलोर एनर्जी ज़्यादा ताकतवर मुझे यह स्टॉक लगता है, क्योंकि फंडामेंटल इसका मजबूत हो रहा है और आगे समय के साथ और मजबूत होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।